गुड आफ्टरनून दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी का स्वागत दोस्तों ट्वेंटी फोर सेवन आई पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आशीर्वाद उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक पहुंच रहे होंगे दोस्तों क्या आ, हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं एक बार प्लीज़ बता दीजिए चैट बॉक्स में इससे मालूम पड़ पाए हम लोग प्रारंभ कर पाए हम, पाए, हम, पाए, हम सेशन आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों भारत सरकार ने एलिफेंट्स और वन ऑन राइनोज यानी कि गेंडे और हाथी को बचाने का जो मिशन शुरू किया था कुछ साल पहले उस पर एक समीक्षा करेंगे हम लोग क्या इन आ, बड़े जीवों को बचाने का मिशन सफल हुआ क्या इनका कंजर्वेशन सफल रहा काफ़ी अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं दोस्तों रिसेंटली चर्चा करेंगे और दो चार न्यूज़ मिलाकर देखेंगे बात आपके साथ पहले जरूरी बात मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं और हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं कि नहीं सभी लोग बताइए जल्दी से मुझे हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं दोस्तों <coughs> और ओके सर जस्ट मैं शेयर कर दीजिए दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट नहीं किया अगर आप लोगों पर एक शेयर कर दें आप लोग जिससे बाकी बच्चे जुड़ पाए हमारे क्लास के आ, लगा हुआ सर कहाँ आ गए दिन में आज लेकिन आज छुट्टी का दिन था आप जानते हैं वोट देना था मुझे बस एक काम करना था आज मुझे वोटिंग वोट देना था वो मैंने दे दिया तो आज मैं फ्री हूँ आप आपके लिए अपने काम को पूरा करने के बाद ज़रूरी काम को पूरा करने के बाद मैं फ्री हूँ आपके लिए तो अब हम जुड़ सकते हैं ओके okay, सभी लोग जल्दी से आ जाइए सभी यार शेयर कर दो फटाफटेरा सर, और ओके सर ओके चलिए दोस्तों इसका इस इस न्यूज पे हम आए आपके साथ न्यूज क्या है भारत में एक सिंगी गेंडे या वन ऑन राइनोस ठीक है एक सिंगी गेंडे ओ एच आर या फिर एलिफेंट दोनों की बात करें हम लोग यहां पर हाथी की बात करें इनको बचाने का कार्यक्रम लंबे समय से चल रहा है बचाया भी जाया है और बचा भी लिया गया है तो क्या सफल रहा इनका संरक्षण प्रोग्राम क्या कंजर्वेशन प्रोग्राम सफल रहा है डिटेल बात करेंगे दोस्तों आपके साथ बात करेंगे काजीरंगा की बात करेंगे जहां प्रोग्राम चल रहा है संरक्षण का वहां की बात भी होगी आपके साथ सबसे पहले ज़रूरी बात दोस्तों चलिए प्रारंभ करते हैं अगर बात पे करूं काजीरंगा के बारे में दोस्तों तो कांजीरंगा से रिपोर्ट आई है हमारे पास कि कांजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे को बचाने का जो मिशन चल रहा था लंबे समय से उसको सफल माना गया है जहां कुछ दर्जन गेंडे बचे थे वहां अब संख्या लगभग तीन हज़ार क्रॉस कर चुकी है यानी भारत सरकार द्वारा गेंडों को बचाने का मिशन सफल माना जा रहा है जी हाँ ये जो आप देख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग आप देख रहे हैं वीडियो यहाँ पर ये जंगली भैंसा भी पाया जा रहा है कांजीरंगा के अंदर हमारा गेंडा भी मिल रहा है यहाँ पर तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर तो जंगली भैंसा और गेंडा और ये हमारा स्वयं डियर मतलब बड़ा एक कलरफुल काजी रंगा है अपना बात करें काजी रंगा के बारे में दोस्तों बात चर्चा होगी काजीरंगा के बारे में आपके साथ काजीरंगा में क्या क्या जानना है आपको और क्या भारत सरकार का ये गेंडो को बचाने का मिशन सफल रहा चर्चा होगी लेकिन सबसे जरूरी बात एक बार शेयर कर दें सब लोग फटाफट शेयर कर दीजिए तो मजा आएगा पढ़ाने में आपको दोस्तों चलिए देखिए पहली बात तो बचाना क्यों जरूरी है गेंडे या हाथी को फूड चेन में काफ़ी बड़े मेमाल्स हैं काफ़ी बड़े स्तनधारी जीव हैं दोस्तों ये बहुत बड़ी संख्या में जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं पौधे घास आदि को कंज्यूम करते हैं तो इकोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जी हाँ तो उनको बचाना ज़रूरी है गेंडे और हाथी दोनों ही बड़ी संख्या में घास आदि को खाते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी उस एरिया की बनी रहती है कहीं ना कहीं उत्पादन चलता रहता है साइकिल चलता रहता है अदरवाइज़ झाड़ियाँ बड़ी हो जाएंगी जंगल घने हो जाएंगे शायद मुश्किल होगा वहाँ पर बाकी का सर्वाइव कर पाना तो ऐसे में हाथी और गेंडे दोनों ही जीव जो हैं ये फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीव हैं अपने आप में खाद्य श्रृंखला के लिए क्योंकि इनसे इको सिस्टम मेनटेन बना रहता है ठीक है आ, इन दोनों के सामने ख़तरे भी कॉमन ही होते हैं दोस्तों अगर बात करें शिकार होता है एक के सिंग के लिए एक के दांत के लिए तो हाथी दांत की मांग हो या फिर गेंडे के सिंग की मांग हो चूंकि कांजीरंगा या उसके असम के जो इलाके हैं जहाँ गेंडे बहुतायत में पाए जाते हैं वो म्यांमार बॉर्डर के पास हैं थाईलैंड की सीमा के बहुत करीब हैं ऐसे में आ, ये जो थाईलैंड हुआ ये जो आपका बैंक अब आप ये आपका जो इलाका है म्यांमार का बेल्ट है ये जाना जाता है वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग के लिए यहाँ बड़े स्केल पर ड्रग्स स्मगलिंग अलग चीज़ है लेकिन वाइल्ड लाइफ हाथी दांत की मांग गेंडे के सिंग की मांग टाइगर की खाल की मांग तेंदुए की मांग बहुत सारी मांग होती है यहाँ पर दोस्तों इवन पेंगोलिन की स्किन तक मांग लेते हैं यहाँ पर लोग तो बहुत बड़ी डिमांड है वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग बहुत बड़े स्केल पर होती है और ऐसे में शिकारियों का अच्छा ऑफर होता है इंडिया में जाओ शिकार करो और शिकार करके हाथी दांत दोगे तो अच्छी कीमत मिलती है यहाँ पर शिकारियों को या अवैध तस्करों को तो इसके पीछे बड़ा शिकार होता रहा गेंडों का यहाँ पर पहले तो आपको शौक के लिए मारते थे गेंडों को लोग लेकिन अब कहीं ना कहीं बाद में आज़ादी के बाद नियम बनाए गए तो कहीं ना कहीं शिकारी इसके पीछे बड़े हुए थे और लंबे समय शिकार इनका चल रहा था ठीक है भारत सरकार ने गेंडों बचाने का प्रयास किया है दोस्तों बचाने का प्रयास लगातार सरकार कर रही है हमारी और इसी कड़ी में इसी कड़ी में बात करेंगे गेंडों को बचाने का प्रोग्राम कितना सफल रहा चलिए जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन में दोस्तों में काजीरंगा आपको दिखाई दे रहा है काजीरंगा के शानदार ये नेशनल पार्क है जैसे कि आप जानते हैं असम के आ, जो इलाके हैं दोस्तों काजीरंगा ब्रह्मपुत्रा नदी के आसपास के इलाके हैं ये और यहाँ पर जो ये इलाके हैं यहाँ पर टाइगर मिलते हैं आपको जंगली भैंसे मिलते हैं स्वयं डियर मिलते हैं हाथी है गेंडे हैं ऐसे कहा जाता है काजीरंगा के बारे में ना चारों बड़े जीव फोर बिग बिग्स बोलते हैं फोर बिग लाइफ कौन कौन से जंगली भैंसे वाइल्ड बफेलोज बोल सकते हैं एलिफेंट टाइगर एज वेल एज गेंडे ये चारों एक ही जगह ढूंढने हो तो आप आ सकते हैं कांजीरंगा में स्वागत है आपका जी हाँ दोस्तों तो आप देख रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंग विजुअल्स अपने ब्लॉग के यहां पर वॉट तो हाथी की बात करें गेंडो की बात करें सभी मिलेंगे आपको यहां पर जंगली भैंसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पर अपनी वॉट अब आइए दोस्तों मैं आता हूँ पी वी डी कर आपको अपनी तो कांजीरंगा नेशनल पार्क सात नेशनल पार्क में से एक है दोस्तों असम में सात नेशनल पार्क घोषित हो चुके हैं पाँच दो साल पहले तक थे लास्ट ईयर दो नए नेशनल पार्क घोषित किए गए और वो दो नए नेशनल पार्क याद होना चाहिए आपको नॉलेज होना चाहिए इस बारे में दोस्तों बिल्कुल दोनों सीमाओं पर मैं कहूँगा अपोजिट सीमाओं पर हैं चाहे वो रायमुरा का हो रायमोना की बात करें नया आपका जो रहा दोस्तों और इधर आप देखेंगे डेब्रू से खोवा और डेब देहांग पटकई तो ये कुछ नए आपके नेशनल पार्क है कांजीरंगा का बनाए बीच मध्य में दोस्तों आप देख रहे हैं गोलघर का गोलघाट के पास के इलाकों में काजीरंगा नेशनल पार्क तो सात नेशनल पार्क हैं सब में दोस्तों छठवा था रायमोना चीचे देख रहे हैं। लिखा हुआ है रायमोना नेशनल पार्क सिक्स नंबर पे और एक साथ ही घोषित हुए थे लास्ट ईयर पांच जून को पाँच जून 2021 को एनवायरनमेंट डे के दिन असम सरकार और भारत सरकार ने दो नए नेशनल पार्क डिक्लेयर किए थे रायमोना का और ध्यांग पटकाई का दोनों का नाम याद रखेंगे दोनों नए नेशनल पार्क हैं असम के दोस्तों चलिए बात करें असम के अंदर दोस्तों हम लोग ये पहले बात करें काजीरंगा की तो काजीरंगा दोस्तों जो है आपका ये ये एक आ, मुझे कहना चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है दोस्तों यहाँ पर कारबी अंगलोंग पहाड़ियां हैं इसके जोग्राफिकल एरिया देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही रिच इलाका है दा, बायोडावर्सिटी के लिहाज से एक नदी और है दोस्तों दिफलू नदी याद रखिएगा इसका नाम ये काजी रंगा, रंगा, तो रंगा के बीच से या काजीरंगा के दक्षिण से होकर बहती है तो काजी रंगा के साउथ से होकर जाती है दोस्तों दीफलू नदी थोड़ा याद रखिए इसका नाम दीफलू रिवर काजी रंगा नोट फॉर देयर फोर ब्रिक्स फोर ब्रिक्स मतलब बताया मैंने वाइल्ड बफेलो जंगली भैंसे दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या में से गेंडे हैं दोस्तों यहाँ पर टाइगर हैं और हाथी बड़ी संख्या में हाथी मिलेंगे दोस्तों तो चारों बिग एनिमल्स जो हैं वो आपको मिलते हैं यहाँ पर एलिफेंट भी हैं यहाँ पर दोस्तों टाइगर भी हैं राइनोज भी हैं और बफेलो फेल बिग फोर आपको एक साथ देखने को मिलेंगे कहाँ पर कांजरंगा के अंदर बाकी इसके अलावा स्वयं डियर मिल जाएंगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा दो यूपीएससी ने कुछ साल पहले आपसे चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अलावा ये जो काजी का इलाका है देफ्रू नदी का इलाका है यहाँ जो वेटलैंड बन गई है यहाँ जो मार्श लैंड बन गई दलदी बन गए, गए हैं दोस्तों वो मध्य एशिया के पक्षियों को सेंट्रल जो आपके सेंट्रल एशिया के बर्ड्स हैं उनको आकर्षित करता है और एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है दोस्तों जी हाँ एक आई भी है ये एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी है कौन सा काजी की बात हो रही है दोस्तों चलिए बाकी याद रखिए दो नए बनाए गए थे रायमोना कभी और चर्चा करेंगे इस पर और एक बनाया गया दोस्तों आपको बताया मैंने ध्यान पटकाई जो नए बनाए गए हैं दोस्तों ठीक है ना तो ध्यान पटकाई घोषित किया गया जून दो में और रायमोना घोषित किया दो जून दो में दोस्तों ठीक है कभी और बात कर इस पर लेकिन हाल फिलहाल हम फोकस करते हैं अपने गेंडे के ऊपर हमारा काम का टॉपिक गेंडा है दोस्तों तो क्या गेंडे और हाथी को बचाने का जो संरक्षण कार्यक्रम था सफल रहा वो ठीक है तो हम बात करें अगर देखें यहाँ पर तो एक रिपोर्ट देख देखें हम यहाँ पर तो इनका कहना है रिपोर्ट्स में कि काजीरंगा नेशनल पार्क में बहुत अच्छा सफल संरक्षण हुआ है हाथ गेंडे को बचाने का और निश्चित तौर पर 2005, 1905 में हा गेंडे को बचाने का प्रयास शुरू किया गया था और 100 साल जब पूरे हुए तो हमने देखा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है यहाँ पर आइए बात करते हैं इसके बारे में तो इनका मानना है कि आ, हमने शिकारियों को जो खास बात रही यहाँ पर काजीरंगा में वो था शिकारियों को मारा जाना जी हाँ जो भी काजीरंगा नेशनल पार्क में इलीगल लोग दिखाई देते हैं शूट एंड साइड के बात है शूट्स अलेस पोच एट द साइड जी हाँ दोस्तों शूट कर सकते हैं आप दिखने पर शिकारियों को क्लियर अधिकार है यहाँ पर तो पचपन सशस्त्र लोग मारे गए हैं इसमें दोस्तों यानी पचपन शिकारी मारे गए हैं लगभग 2012-13 से लेकर अब तक तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कार्यक्रम चल रहा है शिकारियों को थ्रेट दिया गया है शिकारियों को डराया गया है शिकारियों को रोका गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में आने से दोस्तों जी हाँ अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर ये जो पार्क है बताया मैंने आप कहाँ है गोलाघाट और नौगांव डिस्ट्रिक्ट हैं असम के दोस्तों वहाँ ये पार्क बना हुआ है जोग्राफिकली याद रखेंगे 1905 में इसे घोषित किया गया था संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया 1905 में पहली बार एट्टी में आकर दोस्तों क्या किया गया इसे यूनेस्को ने घोषित किया विश्व विरासी स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया इसको याद रखिएगा काजीरंगा ना केवल नेशनल पार्क है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व भी है और वहाँ जो टाइगर रिजर्व है दो हज़ार साफ में डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व वहाँ का यहाँ के वनस्पति की बात करें दोस्तों यहाँ पर वनस्पति किस प्रकार की मिलती है तो कांजीरंगा नोन फॉर देयर जो दलदली भूमि है दोस्तों जहाँ पर ग्रासलैंड है उस पानी से भरी हुई में ग्रासलैंड्स बने हुए जहाँ गेंडे बहुत घास चढ़ते हैं या सवाना वुडलैंड वुड भी है दोस्तों तो घने जंगल भी हैं सवाना टाइप जंगल भी हैं दोस्तों लंबी दूर तक फैली हुई घास भूमियाँ भी हैं इसके अलावा पतझड़ी वन भी है दोस्तों यहाँ पर पतझड़ी वन में मौसम में पत्नी पत्तियाँ झाड़ देते हैं और साथ ही साथ अर्ध सदा हरित वन भी है दोस्तों यानी ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हैं यानी हमेशा पत्तियां बनी भी रहती हैं कुछ पेड़ों पर तो एक प्रकार से एक मिक्स एक हाइब्रिड फॉरेस्ट है दोस्तों यहाँ आपका यहाँ पर आपको हमेशा घास और पेड़ पौधे मिलते रहेंगे यानी ग्रीन लश इलाका है बहुत ही शानदार इलाका है काजी का दोस्तों मेरा कई जाना कई बार हुआ है वहाँ पर बहुत ही शानदार इलाका है काजीरंगा का दोस्तों अगर हम बात करें दुनिया के सबसे ज़्यादा गेंडे एक सिंगी गेंडे वन ऑन राइनोस की बात करें एक सी गेंडे यहीं पर रहते हैं दोस्तों ठीक है अगर मैं कहूँ कितनी संख्या रहती है सर डेटा दूँ आपको अगर दोस्तों में यहाँ पर तो आप मान सकते हैं दुनिया में चार हज़ार एक सिंगी गेंडे हैं लगभग चार हज़ार के आसपास उनमें से छब्बे सौ तो को ऑलमोस्ट फोर्टी परसेंट माफी सिक्सटी परसेंट गेंडे कहाँ रहते हैं केवल कांजी रंगा में रहते हैं समझ सकते हैं आप जिसके बगल मानस भी है और भी औरंग भी है और भी नेशनल पार्क है लेकिन सबसे ज़्यादा गेंडे दुनिया कहाँ रहते हैं एक सिंगी गेंडे कहाँ रहते हैं असम के काजीरंगा में दोस्तों ऑलमोस्ट सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ टोटल वन और नाइन की संख्या रहती है कांजीरंगा के अंदर दोस्तों वनस्पति की बात की तो एक सिंगी गेंडे के अलावा और कौन रहता है सर यहाँ पर मेरा फेवरेट होलॉक गेबॉन क्या होता है हुन जान दोस्तों आप लोग हिलॉक गे क्या है एनी वन नोज होलॉक गे क्या है मेरे पास कोई वीडियो होगा हिलॉक गेबोन का वीडियो तो शायद नहीं होगा लेकिन कुछ ना कुछ इससे जरूर होंगे मेरे पास हलोक गेबॉन के दोस्तों ये अपना एक सिंग गेंडा हो गया फेमस जानते हैं इसको ठीक है ये एक गेंडे के फोटो हैं ऑफकोर्स काजीरंगा के फोटो हैं ये छोटा बेबी गेंडा और बड़ा गेंडा एक सिंगी गेंडा ठीक है क्रूज चलते हैं टूरिज्म परपज़ के लिए क्रूज चलते हैं वहाँ पक्षी बताया मैंने बहुत बड़े स्केल पक्षी आते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल एशियन हाईवे से स्वयं डियर दलदली यहाँ पर मिल जाएंगे आपको बहुत सारे डियर मिल जाएंगे टाइगर मिल जाएगा दोस्तों काजी का में देखने को आपको यहाँ पर कई प्रकार के पक्षी बटे टाइप मिलेंगे दोस्तों आपको यहाँ पर इसके अलावा जो ग्रास एंड देख रहे हैं आप इलाके की यहाँ पर ये देखें दलदली ग्लास ग्रास लैंड बताया मैंने आपको पक्षी मिलते हैं बहुत स्पेशल प्रकार के पक्षी यहाँ पर मिलेंगे आपको हिलॉक गेबॉन की बात करें दोस्तों जो एप है जी हाँ भारत का एप ये पेंगोलिन देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर आ, क्या बात की जाए इन पक्षियों की तो अपने यहाँ पर बहुत ही शानदार पूरा बायोडावर्सिटी दोस्तों यहाँ की हाथी मिलता है यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो कई प्रकार के पक्षी मिलते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में आपको वॉट एवर आई लॉट के टॉपिक पर आते हैं दोस्तों अपने पी वी डी पी लौट के आते हैं तो हम देख रहे हैं दोस्तों हिला गेवॉन बताया मैंने एप है भारत का एकमात्र एक लुक लाइक मंकी और आ, मंकी से थोड़ा हटके थोड़ा सा एडवांस स्टेज में दोस्तों एडवांस एवोल्यूशन का स्टेज टाइगर तेंदुआ मिलेगा दोस्तों हाथी मिलेंगे यहाँ पर स्लॉक बियर मिलेगा यहाँ पर आपको जंगली भैंसें मिल जाएंगे स्वयं डियर मिल जाएगा बहुत बा, हाई बायडावर्सिटी है सॉरी यहाँ पर सर का दोस्त दोस्तों नहीं हाँ मुझे फेवरेट लगता है लोग गेवन काफ़ी करीब लगता है इंसान के ना तो यही बहुत है बहुत करीब है इंसान के वाट एवर तो दो हज़ार में दोस्तों घोषित किया है कांजीरंगा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और सेंट्रल एशिया से प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर पहुँचते रहते हैं यानी कि अगर मैं कहूँ तो कांजीरंगा नो डाउट वनस्पति के लिए और योर अब मैं कहूँ प्राणियों के लिए बहुत एक बार से ड्रीम हाउस अपने आप पर दोस्तों सरकार बचाने का प्रयास कर रही बताया मैं 1905 में इस इलाके को घोषित किया गया सुरक्षित क्षेत्र 1985 में यूनेस्को ने कहा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको दोस्तों 2006 में टाइगर रिजर्व बनाया गया यहाँ पर कुल मिलाकर राइनो रिपोर्ट 2022 की कहती है कि यहाँ 2613 सौ राइनोज हैं 4000 दुनिया में कुल हैं तो 4000 में छब्बीस सौ यहाँ पर सिक्सटी फाइव परसेंट दोस्तों यहाँ पर हैं तो निश्चित तौर पर एक फ़ायदा हुआ केवल गेंडे नहीं बचे हैं गेंदों के संरक्षण के कारण जो गेंडे बचाने का प्रयास किए शिकारी आना बंद हो गए तो टाइगर बच गए हाथी बच गए सबकी बचाव हो गया दोस्तों यहाँ पर जी हाँ तो इसका फ़ायदा अदर एनिमल्स को भी हुआ है नंबर ऑफ टाइगर्स भी यहाँ पर बहुत तेजी से बढ़े हैं दोस्तों जो बाकी देश में देखने को नहीं मिलता है तो जी हाँ तो टाइगर हाथी सबको बचाने का प्रयास किया गया है गेंदों को बचाने के साथ साथ ठीक है खतरा क्या था गेंडों के लिए दोस्तों शिकारी नो no डाउट शिकारी बहुत बड़े स्केल बताया मैंने आपको पूरा यहाँ पर एक बेल्ट है असम के आसपास जो म्यांमार का इलाका है थोड़ा दूर थाईलैंड का इलाका है ये पूरा बेल्ट है आपका वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग का बेल्ट है दोस्तों तो वाइल्ड लाइफ ट्रेड दुनिया का सबसे ज़्यादा यहीं इस इलाके में होता है उसको रोक तो उसके पास से तो बहुत ज़्यादा शिकारियों को पैसा मिलता है ऑफर अच्छा होता है यहाँ पर इसके अलावा यहाँ की घास भूमियों में कई प्रकार की ऐसी प्रजातियाँ आ गई हैं जो यहाँ की लोकल नहीं थी एलियन स्पीसीज़ एलियन इन्वेसिव स्पीसीज़ जो घास में ख़त्म कर रही हैं गेंडों की जो भोजन गहा है पार बना गाह है उसे ख़त्म कर रही हैं वो भी खतरा है तो इंसान से तो यही खतरा साथ ही साथ कई प्रकार की और प्रजातियां जो नहीं नहीं होती थी पहले यहाँ पर वो भी यहाँ पर आ गई हैं तो भारत सरकार ने दोस्तों प्रयास किया है एंटी पोचिंग रोकने का क्या क्या किया गेंडों को बचाने के लिए दोस्तों उस पर आऊँ मैं आपके साथ क्या क्या किया भारत सरकार ने गेंडों को बचाने के लिए एक बार चलते हैं आपके साथ तो गेंडों को बचाने के लिए पहली बात तो हमने क्या किया कांजीरंगा नेशनल पार्क है हमारे पास नेशनल पार्क डिक्लेयर किया इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने इंडियन राइनो विज़न जी हाँ इंडियन राइनो विज़न लॉन्च किया 2005 में एक सिंगी गेंडे को बचाने के लिए इंडियन राइनो विज़न हमने लॉन्च किया 2005 में दोस्तों वर्ल्ड राइनो फाउंडेशन की सहायता से लॉन्च किया गया इसको इंडियन राइनो विज़न को दोस्तों 2020 तक बचाने का प्रयास था सफल रहा मिशन काफ़ी अपने आप में ही इंडियन राइनो विज़न सफल रहा इसके अलावा हमने आ, क्या किया है कि राइनों को बचाने के लिए दोस्तों आ, एक आ, न्यू डेली रिक्लेशन याद कर नई दिल्ली घोषणा पत्र मिल जाए तो पहचान लीजिए बीडी पूछ चुका है वैसे क्वेश्चन न्यू डेली रिक्लेशन जारी हुआ था आ, जो एशियन आ, जो गेंडे हैं एशियन राइनोज़ हैं चाहे वो इंडिया में रहते हों इंडिया नेपाल भूटान में रहते हों इंडिया नेपाल भूटान में रहते हों या फिर मलेशिया इंडोनेशिया में रहते हों ये जो एक सिंगी गेंडे हैं या जो गेंडे हैं एशियन गेंडे इनको बचाने के लिए जारी किया गया था न्यू दिल्ली घोषणा पत्र दोस्तों साल तो यूपीसी ने क्वेश्चन पूछा था कि एक सिंगी गेंडे केवल भारत में पाए जाते हैं तो केवल भारत में नहीं पाए जाते हैं वो नेपाल और भूटान में भी मिलते हैं तो केवल भारत में नहीं एक सिंगी गेंडे हमें कांजीरंगा तो है ही है सिक्सटी फाइव परसेंट आबादी काजीरंगा में बट अबाउट नेपाल में मिलेंगे आपको तराई बेल्ट में और भूटान में भी मिलेंगे दिल्ली घोषणा पत्र पाँच देशों साइन किया था तीन देशों में मिलते हैं एक सिंगी गेंडे और बाकी देशों में मिलते हैं जावा और सुमात्र गेंडे तो पांच देश से उसको साइन करने वाले आयोग ने सवाल पूछा था स्टेटमेंट था क्या एक सिंगी गेंडे केवल असम भारत में मिलते हैं नहीं एक सिंगी गेंडे नेपाल भूटान में भी मिलते हैं ठीक है दोस्तों थोड़ा तो याद रखिए काम का क्वेश्चन बन सकता है तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है हमारे यहाँ पर बताया मैंने शूट एंड साइट का जो ऑर्डर दे रखा है एक प्रकार से शिकारियों को देखते ही गोली मारने का प्रावधान है यहाँ पर तो कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को बचाने का एक सिंसियर एफर्ट असम में दिखता है हमको हालांकि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बीबीसी की कुछ साल पहले उसने कहा था कि कांजी रंगा में शूट एंड साइट का जो ऑर्डर दे रखा है भारत सरकार ने शिकारियों को इसमें कई बार सिविलियंस को मार दिया जाता है इसमें लोग पर्सनल एनिमिटी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए उनको शिकारी घोषित करके मार देते हैं तो वो एक रिपोर्ट थी उस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया गया बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को भारत में नहीं दिखाया गया भारत सरकार का मानना था ये डॉक्यूमेंट्री गलत तथ्यों पर आधारित है इसमें भारत का गलत चित्रण किया गया भारत की छवि को ख़राब करने वाली है भारत सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को मानने से मना कर दिया था तो वो छोड़ दीजिए लेकिन अभी दूसरी रिपोर्ट आई है भारत सरकार के स्वयं से उन्होंने कहा कि नहीं जनाब बहुत अच्छा काम हुआ है हमारे यहाँ तो ये और गेंडों को बचाने में हम सफल रहे हैं ठीक है एक मित्र भाई सवाल पूछ रहे हैं सर हंटिंग का पर्पस क्या होता है यार सिंह गेंडे क्यों मारेंगे उसके सिंघ के लिए मारा जाता है आमतौर तो पर खाल तो नहीं ले जाते निकाल के वो लोग उसके उसके जो कहना चाहिए मुझे सिंग होता है और राइनोज के ऑन होता है वो काम का होता है दोस्तों हाथी को मार रहे हैं उसके हाथी दांत के लिए मारते हैं मुख्यतः ठीक है चलिए तो शूट एंड साइट की बात हम कर रहे हैं दोस्तों आइए बात करते हैं कुछ और टॉपिक लेते हैं हम लोग यहाँ पर आपके साथ तो एंटी पोचिंग प्रयास किए गए दोस्तों यहाँ पर बताया मैंने आपको एंटी पोचिंग प्रयास किया हम लोगों ने यहाँ पर मैन पावर बढ़ाई कहीं ना कहीं हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के अधिकारियों को फॉरेस्ट गार्ड को बेहतर हथियारों से हमने उपकरण दिए उनको दोस्तों डी ने बंदूक बनाई थी इनके लिए घातक डी आर ने बंदूक बनाई थी घातक दोस्तों जो दी गई थी यहाँ के गार्ड्स को कि अगर शिकारी दिखता है तो कैसे डील करना है उससे तो घातक नाम की बंदूक बनाई थी डी ने जो दी गई थी गेंडों की रक्षा करने वाले गार्डों को ठीक है दोस्तों बाकी याद रखिएगा तो शिकारियों के कारण शिकारी संख्या लगातार कम हो रही है एक टाइम 2013 में चौवन शिकार हुए थे गेंडों के यहाँ पर और धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों दो हज़ार में एक और 2000 माफ माफिक दो हज़ार इक्कीस में एक गेंडा और 2022 में एक गेंडे का शिकार ही हो पाया ये दिखाता है कि नंबर ऑफ़ गेंडों के शिकार में कमी आती जा रही है भारत सरकार के प्रयासों के चलते ठीक है दोस्तों इसके अलावा कुछ और प्रयास भी किए हैं हमने वो है एनिमल कॉरिडोर दोस्तों कांजी रंगा में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने कहा था नौ कॉरिडोर तैयार किए जाएं गेंडे गुजरते हैं जहां से मानवीय बस्तियों से ना गुजरें वो उनके पास सुरक्षित मार्ग गुजरने का तो नौ कॉरिडोर तैयार किए जाएं एलिफेंट कॉरिडोर हो या वन्य जीवों के लिए जैसे वन्यजीव गुजर सकें गेंडे हाथी टाइगर आराम से गुजर सकें एनिमल कॉरिडोर तैयार किए जाएं जी हाँ दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर याद रखिएगा हमने यहाँ पर पूरे इस आ, कांजी रंग उसके आसपास के इलाकों में नाइन कॉरिडोर इस्टेब्लिश किए थे दोस्तों ठीक है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था ये कि नौ एनिमल कॉरिडोर तैयार किए जाएँ ये बात है 2019 की दोस्तों तो याद रखिएगा अच्छा एनिमल कोरिडोर बताऊँ आपको कहते एनिमल कोरिडोर क्या होते हैं वन लाइन सुन लीजिए काम आएगा एनिमल कॉरिडोर पशु गलियारे क्या होते हैं <coughs> यार एक बार शेयर कर दो फटाफट आप लोग ने यार फटाफट शेयर कर दो सेशन को यार जल्दी से कॉरिडोर uh, दो टाइप के होते हैं दोस्तों कॉरिडोर दो टाइप के होते हैं एक होता है फंक्शनल कॉरिडोर और एक होता है स्ट्रक्चरल कॉरिडोर हिंदी में कहा जाए तो कार्यात्मक कॉरिडोर फंक्शनल कार्यात्मक कॉरिडोर और एक संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल कॉरिडोर ठीक है कार्यात्मक कॉरिडोर जंगली जानवर खुद ही गुजर जाते हैं खुद ही रास्ता बना लेते हैं भैया ये जंगल है हमारा एक और यहाँ से हमें यहाँ जाना है हम खुद ही बना लेंगे रास्ता जाने का तो जंगल प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं फंक्शनल है चलते हैं जीव उस पर एक होता है नहीं एक जंगल की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वहाँ पट्टियाँ होती हैं जंगल के अंदर जहाँ से वो लोग गुजरते हैं लेकिन मानवीय गतिविधियाँ बढ़ती जा रही हैं तो वहाँ पर होते हैं संरचनात्मक कॉरिडोर इन इलाकों मानवीय गतिविधियाँ ये मानव के इलाके थे मानव गुजरता था यहाँ से आराम से अब पशु गुजर रहे हैं तो पशु भी गुजर रहे हैं इंसान भी लेकिन जंगल के अंदर की बात करें हम लोग यहाँ पर तो हम लोग तो ये जो गलियारे हैं ये मानव द्वारा तैयार किए जा रहे हैं जिससे वहाँ पशु गुजर सकें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये जो संरचनात्मक गलियारे हैं ना ये तो फ्री छोड़ी दो आप और फंक्शनल कॉरिडोर जो हैं इन पर भी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे या वाट एवर हमारे काम का नहीं है अभी न्यूज़ हमारे काम का ये है कि कॉरिडोर या गलियारे जो होते हैं दोस्तों ये पॉइंट हैं पशुओं के संरक्षण के लिए और कांजीरंगा में नाइन कॉरिडोर्स तैयार किए गए हैं पशुओं के गुजरने के लिए भूलना नहीं चाहिए हमको यहाँ पर दोस्तों तो सरकार ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया दिशा में कॉरिडोर की हम बात करें यहाँ पर ठीक है तो कार्यात्मक गलियारे बताएं कार्यात्मक गलियारे क्या होते हैं दोस्तों फंक्शनल कॉरिडोर क्या होते हैं और एक होता है दोस्तों स्ट्रक्चर कॉरिडोर या संरक्षात्मक गलियारे आपके होते हैं ठीक है ना चलिए तो यहाँ पर नौ गलियारे बनाए गए हैं दोस्तों नौ गलियारे बनाए गए हैं इनकी पहचान की गई है एज फंक्शनल कॉरिडोर के रूप में ठीक है चलो याद रखें दोस्तों हम लोग यहाँ पर काम की बात आ, बाकी जानते हैं दोस्तों बताया है मैंने आपको यहाँ पर 1974 सेवेंटी फोर में कांजीरंगा का डिक्लेयर किया गया था राष्ट्रीय उद्यान के रूप में दोस्तों यहाँ पर 2006, 2007 हजार सात में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया एट्टी में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था दोस्तों ठीक है आ, बाकी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इलाका है दोस्तों सवादिक गेंडे पाए जाते हैं यहाँ पर वॉट एवर वॉट एवर वोटर काम करें दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ एक नदी है दोस्तों डी फोलू याद रखिएगा डी फोलू नदी दक्षिण से बहती है कांजीरंगा के चलिए इसमें कुछ और जोड़ना है दोस्तों आई आर बताया आईआर दो मैंने आपको इंडियन राइनो विजन दो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों दुनिया में कहाँ का गेंडे पाए जाते हैं अफ्रीका मिलते हैं वाइट राइनो दोस्तों अफ्रीका मिलते हैं वाइट राइनो संख्या अठारह हज़ार से ऊपर है इनकी कोई खतरा नहीं है बहुत ज़्यादा नियर थ्रेटेंड है आयू सी की रिपोर्ट के मुताबिक क्या है दोस्तों ये नियर थ्रेटेंड है नियर थ्रेटेंड मतलब संकट के अधिक संकटग्रस्त के निकट हैं दोस्तों संकटग्रस्त बहुत ज़्यादा हुए नहीं है अभी ये आई का स्टेटस है नियर थ्रेटेंड मोर देन थाउजेंड है कहाँ मिलते हैं सर ये अफ्रीका में मिलते हैं वह एक सिंह गेंडो की बात करें भारत की बात करें भारत नेपाल भूटान की बात करें लगभग चार हज़ार के आसपास संख्या हो गई है इनकी दोस्तों नई पॉपुलेशन जो आई है चार हज़ार के आसपास इनकी संख्या जिसमें छब्बीस सौ में ही है बताया मैंने आपको और स्टेटस क्या दोस्तों इनका वर्नेबल की संख्या बढ़ रही है अच्छी बात यह बढ़ रही है प्रयास सफल रहे हैं और संख्या बढ़ रही है डेटा किसने दिया दोस्तों ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है इन्पॉइंट डेटा इन्पॉइंट संस्था है दोस्तों ये ब्लैक राइनोज ये. ये भी अफ्रीका में मिलते हैं दोस्तों ये अफ्रीका में मिलते हैं ब्लैक राइनोज संख्या पाँच हज़ार के आसपास है क्रिटिकल एंडेंजर्ड माना गया है दोस्तों इनके अंडों को संख्या पर्याप्त नहीं है बहुत बहुत ज़्यादा बिखरे हुए थे पहले बहुत तेज़ी से कम होते जा रहे हैं जावा राइनो दोस्तों यहाँ पर बात करें जावा राइनो की इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा मेरे ख्याल से इसको मैं क्रॉस चेक करना चाहूँगा क्या ब्लैक राइनो क्रिटिकल इंटेंजेंट है या नहीं बार क्रॉस चेक कर लीजिए आई आर का डाटा है मैं डाउट नहीं करूँगा लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे हम लोग नेट पर जाकर एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या स्टेटस सही है नहीं इसका ठीक है क्रिटिकल इंटेंजेंट है या नहीं क्योंकि यू पूछेगा तो नहीं फिर भी क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए कहाँ का गेंडे हैं हाँ ये दोनों क्रिटिकल इंटेंजेंट कन्फर्म मुझे यहाँ पर क्रिटिकल इंटेंजेंट सत्तर के आसपास पास हैं अस्सी से कम बचे हैं दोस्तों जावा और सुमात्रा गेंडे ये मिलते हैं इंडोनेशिया मुख्यतः एक आध मिलता है मलेशिया के अंदर भी तो इसलिए हम कहते हैं दोनों ही क्रिटिकल एंडेंजर्ड दोस्तों संख्या बहुत ऐसे कम हो रही है इनकी यहाँ पर आईयू की रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों ही यानी जावा राइनो और सुमात्रा राइनो दोनों ही दोस्तों क्या हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं इसकी संख्या सेवेंटी है इसकी भी लेस देन एट्टी है दोस्तों संख्या यहाँ पर इसकी भी संख्या लेस देन एट्टी है छुप रहा है मेरे पीछे एक बार आप इसको देख सकते हैं कोई समस्या ना आए तो इसको देख लीजिए तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से आप दोस्तों यहाँ पर ठीक है जी हाँ जी हाँ ठीक है सर चलिए इसको देख लीजिए एक बार दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ और जानना है इसके बारे में एक सिंगी गेंडेज सफल रहा है प्रोग्राम हमारा आई आर वी राइडोविजन सफल रहा दोस्तों ख़त्म हो गया दो हज़ार पाँच में स्टार्ट किया था आई आर वी को ठीक है संख्या तीन हज़ार से ऊपर जा चुकी है तो नए इलाके बनाए गए काजी नेशनल पार्क है दोस्तों औरंग नेशनल पार्क है पोबी तोरा है दोस्तों ठीक है प्रयास सफल कराने किया काफ़ी हद तक कुछ प्रयास सफल रहे हैं कुछ नहीं रहे अलग बात है लेकिन जोड़ लीजिए सारी बातों को हम लोग यहाँ पर ठीक है तो आई के तहत तो कांजीरंगा बहुत बड़ी संख्या को ये है गेंडों की उसको आसपास ट्रांसफर किया जा रहा है गेंडों की आबादी हर जगह पर सस्टेन कर सके तो कांजीरंगा से गेंडे आसपास भेजे गए दोस्तों यहाँ पर मानस में दो गेंडों को दिया भेजा गया और लगातार आसपास के इलाकों में गेंडे भेजे गए थे दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो तीन हज़ार से आबादी अधिक करनी थी कहाँ पहुँच गई आबादी चार हज़ार केस पास पहुँच गई अब चार हज़ार तो कुल हैं दुनिया में भारत में आबादी लगभग छत्तीस के आसपास इनकी पहुँच गई तो कहीं ना कहीं सफल रहा है दोस्तों आई कार्यक्रम हमारा ठीक है तो कौन कौन से इलाकों में गेंडे मिलते हैं भारत में वो देख लीजिए दोस्तों काजीरंगा पोबितोरा ओरांग मानस लोखोवा बुराचोरी और डिब्रू सेखोवा दोस्तों तो ये सात इलाके हैं असम के ही जहां आपको एक सिंह गेंडे देखने को मिल सकते हैं दोस्तों ठीक है चलिए उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें अब तक पहुंच रही हैं या पहुंच चुकी हैं मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ ठीक है दोस्तों एक जानकारी मैं दूंगा आपको मैं उसके बात करूंगा लेकिन पहले बता दूँगा आपको दोस्तों आप अड्डा के पेड कोर्स के बारे में अड्डा के पेड कोर्स दोस्तों आप जानते हैं फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है आपके लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है लास्ट फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों जहाँ मैं इकनॉमिक क्लास लूँगा आपकी और करंट अफेयर्स क्लास लूँगा तो आप इनमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ स्पेशली करंट अफेयर्स क्लास से जुड़ना चाहें मेरी आप एक्सक्लूसिव क्लास एंड करंट अफेयर्स की दोस्तों फ़ीस बहुत कम है यहाँ पर आपके लिए और जुड़ने के लिए करना क्या है कोड यूज़ करना होगा वाई सिक्स जीरो फाइव का और आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ मेरे इसके अलावा दोस्तों आई एस अगर आप राइटिंग स्किल सीखना चाहते हैं तो ये कोर्स चल रहा है आपके लिए दोस्तों यहाँ पर फीस है नियरली सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास और कोड यही रहेगा वाई सिक्स जीरो फाइव जहाँ पर मैं आपको मेंटरशिप दूंगा आंसर प्रैक्टिस करेंगे हाउ टू राइट कैसे आंसर लिखा जाता है उसकी बात करते हैं दोस्तों तो जीएस करना हो तो आपके लिए ये है सिर्फ करंट अफेयर्स करना हो तो यह और मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस करनी हो दोस्तों तो आपके लिए बैचेस यहां पर अलग दिख रहे हैं आपको ठीक है ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों सभी बैचेस को आप मेरे साथ को डेगी रहेगा मेंटरशिप मिलेगी दोस्तों मेरी आपको वहां पर जुड़िए मेरे साथ चलिए आगे बढ़े दोस्तों आपके साथ आगे चले हम लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रम को लेकर ठीक है संदीप बता रहे हैं मुझे कि सर क्रिटिकल एंडेंजर्डी है ठीक है संदीप मैं क्रॉस चेक कर लूँगा एक बार और बाकी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आप लोग ठीक है मुझे लगा शायद वो संख्या पाँच हज़ार के आसपास है तो शायद ना हो लेकिन होता क्या है ना क्रिटिकल इंडेंजर्ड होने के क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं कि बहुत तेजी से आबादी कम हो गई हो अब बीस तीस हज़ार थे पाँच बचे एकदम से कुछ सालों में ही तो घोषित किया जाएगा या फिर पहले बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे ये टिकेंडे अब छोटे से इलाके में रह गए तो आप कह सकते हैं क्रिटिकल इंडेंजर्ड हो जाएंगे उस केस में तो डिपेंड करता है कई क्राइटेरिया होते हैं कई बार संख्या को देख के हम पहचानते हैं कि ढाई से कम है या तीन से कम है तो फ्री क्रिटिकल इंडेंजर्ड है लेकिन कई बार संख्या मैटर नहीं करती कई बार उनका एरिया मैटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन मैटर करता है उनकी उनकी कितनी कमी आ रही है आबादी वो मैटर करती है इससे मुझे डाउट हुआ इससे मैंने कहा बच क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ दिख लें हाथियों के लिए प्रयास हो रहा है दोस्तों देश में हमारे यहाँ लगभग उनतीस के आसपास हाथी हैं हमारे पास दो की सेंसस के मुताबिक जो एलिफेंट सेंसस हुई थी सत्रह में उनतीस हज़ार हाथी हैं दोस्तों सफा सरकार ने उन्नीस सौ बानवे में नाइनटीन एटी टू में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था इस साल तीस साल पूरे कर रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट अपने तीस साल पूरे हो गए दोस्तों तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत या मैं कहूँ हाथियों को बचाने का क्या क्या प्रयास किए गए तो प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया दोस्तों हमारे यहाँ पर याद रखिएगा इसके अलावा भारत सरकार ने गजहा नाम से टास्क फोर्स बनाई थी हाथियों को बचाने के लिए उनकी रिकमेंडेशन को फॉलो किया सरकार ने इसके अलावा दोस्तों हाथियों के मारे जाने में दो बड़ी समस्याएँ दो बड़े कारणों से हाथियों की मौत होती है हमारे यहाँ पर एक है शिकार होता था इलीगल तरीके से उसको रोकने का प्रयास किया है पोचिंग को रोकने का प्रयास किया है और मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट जी हाँ एक बड़ी समस्या अभी भी हमारे यहाँ बनी हुई है वो क्या है मानव वन्य जीव संघर्ष जी हाँ लगभग पिछले कुछ सालों में सौ हाथी मारे गए हैं केवल मानव वन्य जीव संघर्ष के कारण ही तो हमें इसको कम करना होगा कई बार हाथी घुस आते हैं मानव बस्तियों में या मानव घुस जाता है हाथियों की बस्तियों में अलग बात है कि माना हाथी ज़्यादा घुसते हैं आपकी बस्तियों में आप तो घुसी चुके हैं उनके जंगलों के अंदर तो मानव बस्तियों में घुसते हैं खेती को नष्ट करते हैं तो कई बार मानवों द्वारा उनको मार दिया जाता है तो निश्चित तौर पर मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बड़ा कारण है हाथियों की मौत का हमारे पीछे तो कहीं ना कहीं हाथियों बचाने का प्रयास किया जा रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने का प्रयास किया जा रहा है और एक बड़ी समस्या क्या है दोस्तों वो है अवसरचना जी हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रेल लाइन पावर लाइन ट्रांस सड़क लाइन बिछा रहे हैं आप लगातार सड़क रेल लाइन से कट के हाथियों की मौत होती है पावर लाइन से कट के या पावर लाइन से टच होकर कई बार हाथियों की मौत हो जाती है तो उसके लिए वो भी जिम्मेदार है कहीं ना कहीं कॉरिडोर नष्ट होते जा रहे हैं तो हमने ध्यान दिया इन चीज़ों पर एलिफेंट कॉरिडोर तैयार किए हैं दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एलिफ़ेंट रिज़र्व तैयार किए हैं हाथी कॉरिडोर हाथी गलियारे हाथी रिज़र्व तैयार हम लोगों ने किए हैं साथ ही साथ इसके अलावा हमने कई बार अपने जो ट्रेन्स हैं इनकी लोको पायलट जो पायलट को चलाने वाले जो लोको पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी है हम लोगों ने यहाँ पर कई प्रकार के ऑपरेशन बी लॉन्च किया है कि ट्रैक के आसपास मधुमक्खियों की आवाज निकाली जाए तो हाथी ट्रैक के आसपास नहीं आएगा या फिर ऐसे कई और प्रयास हमने किए हाथियों को बचाने के लिए दोस्तों जी हाँ लगातार जगह प्रयास कर रही है हाथियों को बचाने का इसके अलावा भारत ग्लोबल स्केल पर प्रयास कर रहा है माइक इनलीगल किलिंग ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट मॉनिटरिंग ऑफ इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट हाथियों की जो अवैध हत्या की जाती है उसकी निगरानी कर रहे हैं हम लोग भारत की दस लोकेशन पर तो साइट संस्था का कार्यक्रम है यहां पर आपको याद होगा इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा हम बात करें आपको भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले जब सी का समिट हुआ था गांधीनगर में दो फरवरी में इसका कोप का आयोजन किया गया था तब भारत सरकार ने अपने तीन जीवों को शामिल कराया है परिशिष्ट एक अपेंडिक्स एक में एक है दोस्तों अपना ग्रीन जीआईबी पक्षी ग्रीन इंडियन बुस्टार्ट पक्षी एक है अपना बंगाल फ्लोरिकन और तीसरा दोस्तों अपना जो है यहाँ पर वो है आ, इंडियन एलिफेंट जी हाँ तो भारतीय हाथी को हमने शामिल कराया है किस सूची में माइग्रेटरी स्पीसीज़ जो प्रवासी प्रजातियों के पक्षी होते प्रवासी प्रजातियों की जो सूची है उसमें शामिल कराया है जिससे भारत से अगर भूटान जा रहा है भारत से बांग्लादेश सीमा में जा रहा है तो कोई शिकार ना करे कोई मारे नहीं इनको इसको देखते हुए भारत सरकार ने इसको शामिल कराया है कोप सी एम एस के अन्य अपेंडिक्स वन या अनुसूची एक में दोस्तों तो हाथियों विचार काफी प्रयास हो रहा है हमारे यहाँ सफल रहा है प्रयास हाथियों की संख्या बढ़ रही है भारत के अंदर यही रिपोर्ट में दिया गया दोस्तों हाथियों के रिपोर्ट के अंदर उम्मीद कर रहा हूँ पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा आपको दोस्तों यहाँ पर कोई साम आपके पास कोई सवाल आपके पास हो तो रख सकते हैं लाइव क्लास आप देख रहे हैं दोस्तों आशीर्वाद सन और अड्डा के सौजन्य से जी हाँ दोस्तों कोई क्वेश्चन आपके पास हो पूछ लीजिए आराम से अच्छा तीन बजे क्लास और होगा वैसे आपका वो भी आप देख लीजिएगा आपका तीन बजे क्लास और है दोस्तों ठीक है चलिए लगभग क्लास तीस मिनट का हो गया दोस्तों लगातार आधा घंटा लग जाएगा टॉपिक करने में हमको तो काफ़ी कुछ हमने देखा कांची नेशनल पार्क के बारे में देखा दोस्तों वर्चुअल टूर किया हमने शोवर्ड इसका गेंडे को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या किया वो जाना आपके साथ हाथी बचाने के सरकार ने क्या किया है वो जाना आपके साथ इन पे ख़तरे क्या हैं वो जाना हम लोगों ने लग बात हुई हमारे असम के वाकई नेशनल पार्क के बारे में हो पाएगा तो टॉपिक हमारा यहाँ पर रोका जाए क्लास को अपनी यहाँ पर मुलाकात होगी तीन बजे आपके साथ फिर यहाँ यहाँ पर और याद रखिएगा जो बच्चे जुड़े हैं मेरी पेड क्लास में इकनॉमी है आज स्पेशल क्लास है शाम में पाँच बजे आपकी पेड क्लास तो प्लीज़ आ जाइएगा में पाँच बजे पे पेट क्लास देखने के लिए वहाँ पर ठीक है मिलता हूँ और दोस्तों आपके साथ तीन बजे यूट्यूब पर फिर पाँच बजे पे पेट क्लास में दीजिए आ गया थैंक यू